हेलो स्टूडेंट, तो ये कुछ यूमे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कहीं कहीं आए हुए, तो उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूमे डायग्राम? तो ये जो क्वेश्चन है कहाँ आया हुआ आपका? ITI वाइस प्रिंसिपल 2018 के पेपर के अंदर आया हुआ है. तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. क्लास, इनमें से कौन सा एग्जाम बताइए आप, यूमेल डायग्राम नहीं है. क्लास डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और स्टार डायग्राम. तो आपको पता है क्लास डायग्राम है ये किस तरह का है? स्ट्रक्चर. डिप्लॉयमेंट किस तरह का है? बिहेवियरल. और सीक्वेंस किस तरह का है? बिहेवियरल. क्या स्टार डायग्राम कोई यूएमएल डायग्राम है? नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट देखिए. यूएमएल इज यूज टू मॉडल द बिहेवियर ऑफ ए ऑब्जेक्ट विथ. यूएमएल क्या काम आता है? किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को मॉडल करने, किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को मॉडल करने के लिए. ओके, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? ऑब्जेक्ट. तो मैंने जब भी बोला था ऑब्जेक्ट की बात आए या क्लास की, ऑब्जेक्ट की बात आए, क्लास की बात आए, एट्रीब्यूट्स की बात आए, मेथड्स की बात आए, तो उसमें हम एक ही तरह के डायग्राम को यूज करेंगे. कौन सा? हमारा क्लास डायग्राम. तो यहाँ है क्या? यस, यूज केस नहीं, क्लास डायग्राम. एक्टर डायग्राम नहीं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी नहीं. ओके, वैसे एक्टर डायग्राम क्या होता है? इसको शायद ये यूज केस की बात कर रहा है, पर यूज केस अलग से लिख रखा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लास डायग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए. अ सिस्टम डिजाइन इज सेड टू बी फंक्शनली मॉड्यूलर. कोई अगर हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं और वो फंक्शनली मॉड्यूलर, हम उसको कब बोलेंगे? तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है. अगर आप प्रीवियस वीडियोज अगर आपने देखे हो तो मैंने बताया था कि अगर कोई सिस्टम है उसको अगर हम छोटे पार्ट के अंदर क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन. और जो छोटे जो सब पार्ट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल. क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं. तो यही बोल रहे हैं कि किसी फंक्शन को हम मॉड्यूल कब बोलेंगे? जब भी बोलेंगे जब वो मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड हो. कोई जो इन हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंट काम कर रहा हो, उसके अंदर फंक्शन उसी के लिए काम कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलर. और इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कोहेजन और कपलिंग का कंसेप्ट, तो प्लीज रेफर टू दैट वीडियो, कोहेजन और कपलिंग वाला. ओके, तो फंक्शनल मॉड्यूल कब बोलेंगे? द सिस्टम इज एबल टू हैंडल ऑल द फंक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन. तो अगर मॉड्यूलर की बात की है तो ये बोला एक सिस्टम अकेला सारे फंक्शन को हैंडल करे, तो ये तो कोई बात जच नहीं देगी. यहाँ पे इसने किसी भी तरह की मॉड्यूलेशन की बात नहीं की है मॉड्यूल की, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता. फर्स्ट वाला हमें करेक्ट निकालना है. ईच मॉड्यूलर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड कैन बी डेवलप्ड रिलेटिवली इंडिपेंडली बाय अ प्रोग्रामर. देखिए यहाँ पे कुछ कह रखा है, ईच मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल की बात की है कि हर एक मॉड्यूल कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया गया हो, और ईच मॉड्यूल कैन बी डेवलप्ड रिलेटिवली इंडिपेंडली बाय द प्रोग्राम. और हर एक मॉड्यूल क्या होगा? इंडिपेंडेंटली किसी प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया हो. तो वही बात होगी किस सिस्टम को ब्रेक करना अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर. तो ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, जो हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है. द सिस्टम मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ फंक्शन कीज फॉर मैक्सिमम यूजर स्टेट. ठीक है, सिस्टम क्या कर रहा है? मैक्सिमम फंक्शन कीज का यूज कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर क्या उस सिस्टम को यूज कर सके. पर बात वहीं आगे अटक गई कि यहाँ पे कभी भी मॉड्यूल का कंसेप्ट नहीं बताया गया. ओके, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत. द सिस्टम इज डेवलप्ड यूजिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थ्रू कोबोल और पास्कल. तो ये इसका आंसर नहीं है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये देखिए क्वेश्चन, UGC नेट 2018 का क्वेश्चन है. और जो भी हमें यूएमएल डायग्राम्स पढ़े हैं, यूएमएल के टाइप्स पढ़े हैं, वो उन सब का निचोड़ इस क्वेश्चन के अंदर है. तो वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा. ओके, और इसको मैच करने की कोशिश कीजिए आप. तो देखिए, मैच द फॉलोइंग, यहाँ लिस्ट वन है, लिस्ट टू के साथ हमें क्या करना है? मैच करना है. तो स्टेट डायग्राम, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम. और यहाँ पे कोड लिखा हुआ, हमें कौन सा ऑप्शन मैच करना है. और यहाँ पे इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं. डिस्क्राइब हाउ द एक्सटर्नल एंटिटीज पीपल डिवाइस कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर. ये क्या बोल रहा है? हाउ एक्सटर्नल एंटिटीज, तो चाहे पीपल हो डिवाइस हो, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो इसके बारे में हमने डिटेल के अंदर देखा हुआ है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूज केस डायग्राम. तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? यूज केस, सॉरी, फर्स्ट का फर्स्ट जो मैच किससे करेगा? यूज केस डायग्राम से करेगा. तो इसके अंदर मैंने आपको अच्छे से डायग्राम बना के भी बताया हुआ यूज केस के बारे में.
जहाँ पे मेरे टीचर और स्टूडेंट और जो फंक्शंस होते ऑफिस के अंदर या स्कूल के अंदर बताया हुआ है कि अटेंडेंस मैनेज करना, मार्कशीट मैनेज करना, स्टूडेंट क्या क्या मैनेज कर सकता है, स्टूडेंट क्या मैनेज कर सकता है। ओके, ये सारी चीज़ बताई हुई है मैंने उसके अंदर आपको। चलिए, यूज टू डिस्क्राइब नेक्स्ट। देखिए, यूज टू डिस्क्राइब द स्टेटिक और स्ट्रक्चर व्यू ऑफ सिस्टम, यहाँ पे स्टेटिक और स्ट्रक्चर व्यू के बारे में बताता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लास डायग्राम, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, थर्ड देखिए, फोर्थ में आ जाइए पहले। यूज टू डिस्क्राइब द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कुड आल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब द सिस्टम बिहेवियर। तो ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि डायनेमिक बिहेवियर और सिस्टम बिहेवियर दोनों को डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, आपका स्टेट डायग्राम। कौन करता है, स्टेट डायग्राम। तो बचा हुआ कौन सा हमारा, एक्टिविटी डायग्राम, जो कैसे जम करता है, एक्टिविटी टू एक्टिविटी फ्लो हो जाता है। यूज टू शो, थर्ड देखिए, यूज टू शो द बिजनेस प्रोसेस, द स्टेप्स ऑफ यूज केस और द लॉजिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहेवियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी का थर्ड आंसर हो जाएगा। तो ए का आंसर है फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड। तो फोर्थ ये रहा, फोर्थ सेकेंड थर्ड नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 4 1 2 3। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो भी यूमेल टाइप्स हमने पढ़े वो सारे के सारे डिस्कस हो गए। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छे से समझिए, और जो भी प्रीवियस मैंने वीडियोस बनाए उनको प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और लास्ट तक जरूर देखें। तो चीज़ें जैसे जैसे मूव ऑन करोगे क्लियर होती जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। ओके, थैंक यू।